don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे आज के शो आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम याद कर लेते हैं दो महापुरुषों को जिनकी आज वर्षगांठ है, जयंती है। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप को, जिन्होंने इस भारत की पौरुष की चेतना में प्राण फूके, और फिर रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती है आज, जिन्होंने इस देश की मानस चेतना में प्राण फूके और उन दोनों चेतनाओं को ध्वस्त करती हुई पीत पत्रकारिता के द्योतक के रूप में आपको 3 पीत वस्त्र पीत वस्त्रधारी 3 आपको इस समय दिख रहे हैं। हम पीत पत्रकारिता की बात करने जा रहे हैं। आप लोग येलो जर्नलिज्म भूल गए होंगे, क्योंकि आजकल लुटियंस इत्यादि, या जैसे संदीप जी ने पंचमक्कार को बहुत प्रचलित कर दिया है, तो उसके कारण लोग पीत पत्रकारिता भूल गए थे। तो इसके याद दिलाने के लिए हम पीत पत्रकारिता के सेलिब्रेट करने के लिए, उसका एक महिमा मंडन करने के लिए उपस्थित है। वैसे जो आज का जो विषय है, विषय तो यह है, यह पुस्तक है, यह पुस्तक जो ये देख रहे हैं आप, पत्रकारिता का काला अध्याय, नीचे नाम देख रहे हैं ना, मनीष ठाकुर। तो मनीष जी की नई पुस्तक है। मनीष जी की नई पुस्तक में इन्होंने पिछले लगभग 20 वर्ष का एक पत्रकारिता का एक इतिहास, जिसमें पत्रकारिता जो एक समय में मानी जाती थी कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पूर्ण कार्य का एक व्यवसाय है, वो किस तरह से कलंकित कलुषित होते होते आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि यहाँ आप किसी भी, जिसको कहते हैं न्यूट्रल पत्रकार, उस नाम की अब आपको चीज भी नहीं मिलती कहीं पे। तो मनीष जी, आपकी पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली है, लगभग अंत के 2-4 कुछ बात बाकी है। तो आपने जहां से आरंभ किया वहीं से आरंभ करें, या पहले आप ये बताएंगे कि इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? दरअसल ये एक अहम सवाल है कि ये प्रेरणा कैसे मिली। पत्रकारिता मेरे लिए सर सामान्य रूप में, यदि एक लाइन में कहें तो मेरे लिए कभी भी, आमतौर पर पत्रकारों ने कहा कि उनकी एंट्री एक्सीडेंटल हुई इस पेशे में, मेरी एंट्री एक्सीडेंटल नहीं, पूरी प्लानिंग से मैं आया। और जब मैंने देखा कि जिनको मैं बहुत नामचीन, बहुत काबिल समझता था, जिनके जैसा मैं बनना चाहता था, धीरे धीरे कई साल लगे, 1-2 साल नहीं, कई साल लगे, जिसमें पता चला कि जिन्हें मैं आइडियल समझ रहा था, जिन्हें मैं समझ रहा था इनके जैसा मुझे बनना चाहिए, दरअसल वो इतने बेईमान, इतने धूर्त, इतने नीच किस्म के निकले कि उसके तो बेहतरीन उदाहरण तहलका वाले हैं। मुझे लगता है टीवी पत्रकार में एक दौर आया कि हर कोई तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की तरह बनना चाहता, और उस तरुण तेजपाल की कहानी ये निकली कि तरुण तेजपाल अपनी बेटी की दोस्त, ये कहते हैं ना बेटी की उम्र के बराबर, बेटी की खास दोस्त के साथ जिस अवस्था में पकड़ा गया, जिसकी शिकायत उसने की, उससे लगा कि स्टिंग करने वाला खुद किस चीज का शिकार हुआ। एक दर अलग 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 फेज निकले। ये मैंने देखा कि जो ये कहते हैं कि पत्रकारिता आज जो कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए, ये मूल शब्द बन गया, सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने उन दौर में सत्ता के खिलाफ कितनी पत्रकारिता की, तब ये घालमेल मुझे नजर आया और पूरा लगा कि ये छलावा है। दरअसल स्क्रीन पे जिसे आप समझते हैं कि बहुत बड़े तोपची हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत आइडियल हैं, उनका सच क्या है वो समझना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में मैं रहा, मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस साख के पेशे को तबाह करने वालों का सच सामने आना चाहिए। क्योंकि संदीप किताब लिख चुके थे, संदीप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग लगभग कम से कम 17-18 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और जानते ही नहीं है बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो किताब लिख चुके हुए थे। तो मुझे लगता है कि कई मायने में संदीप वैसे तो मेरे लिए छोटे भाई की तरह रहे, हम लोग लगभग लगभग उम्र बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर है प्रोफेशनली जूनियर जूनियर का, लेकिन इसके लिए मेरे लिए वो प्रेरक रहे, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आज संदीप प्रकाशक भी हैं, पुस्तक के डिस्ट्रीब्यूटर की कंडीशन में भी हैं, पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, तो कहीं ना कहीं
यदि आप कह रहे कि प्रेरणा, तो मुझे लगता है इसमें भूमिका निश्चित रूप से मेरे मित्र संदीप देव की तो जरूर है। संदीप जी, आप तो इस सफर में, इस पुस्तक के सफर में इनके फेलो ट्रैवलर रहे, सहयात्री रहे, तो ये जो कह रहे हैं तो आप बताएं इस पुस्तक की यात्रा, क्योंकि आप इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, आप क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में? एक पहले पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किताब पढ़ी है, एज ए प्रकाशक पुस्तक की क्वालिटी कैसी लगी? पहले हम क्वालिटी पे थोड़ा बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्रकाशकों के साथ हम जरा उनके साथ मेरा तनातनी चलता है, तो आप थोड़ा बताएं कि क्वालिटी कैसी लगी आपको पेज की? क्वालिटी तो टॉप क्लास है, क्वालिटी तो मतलब एक छोटा प्रकाशक बड़े प्रकाशकों को थोड़ा चुनौती देने की पोजिशन में हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की जो विचारधारा है उसमें अच्छे प्रकाशक मिलते नहीं, और मिलते हैं तो दबा देते हैं विचारों को। प्रकाशक जो है वो हिंदी के प्रकाशक जो है अधिकतर धोखा देने के लिए जाने जाते हैं, और वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि उनकी पुस्तकें जो है वो सिर्फ पुस्तकालयों में चलती है, उनकी सेटिंग होती है पुस्तकालयों से, तो वो पुस्तकालयों में चलती है, वो आम ना तो वो प्रयास करते हैं आम पाठक तक पहुंचाने का, और ना आम पाठक को वो प्रभावित कर पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यदि एक दो अपवाद छोड़ दें नरेंद्र कोहली जी जैसे, तो हिंदी लेखकों की पुस्तकें जो है वो बाजार पहुंच ही नहीं पाती, बाजार नहीं पहुंच पाती, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो तो इस, आप भी मेरे साथ एक सही यात्री रहे हैं, जब मैंने ब्लूम से सारी पुस्तकें छीनी थी, आठ आठ नौ नौ पुस्तकें ले लेना किसी बड़े पब्लिशर से बड़ी मुश्किल होती है, तो हमारे साथ ये भी समस्या थी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, किताब छाप लोगे, इसको लोगों तक ले कैसे जाओगे, और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में फिर मुझे भी अमेजन के साथ टकराव मुझे याद आया, क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं की जो है, तो उस स्तर के लिए हमने ई कॉमर्स भी शुरू किया। अभी 1000 शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाने जा रहे हैं, और क्वालिटी भी हमने वही रखी जो बड़े प्रिंटर्स छापते हैं, उन सबको उस क्वालिटी को मेंटेन किया। और फिर हमने सोचा कि जो हिंदी के जो पाठक हैं उनको एक स्टैंडर्ड पुस्तक मिले, और उन लेखकों को ये जगह मिले जो नहीं मिलता, जैसे मनीष ठाकुर जी हैं, उनकी किताब 3-4 साल से लिखी जा रही है, और वो पूरा ड्राफ्ट ब्लूम्सबेरी, मेरे को तो साफ साफ बोलना पसंद होता है, ब्लूम्सबेरी के पास ये पूरा ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, पर आज तक वो ड्राफ्ट पास नहीं हो पाया। आप समझ लीजिए स्थिति ये थी इनकी कि ये ब्लूम्सबेरी किताब पास नहीं कर रहे थे, और रोज मनीष जी कहते संदीप क्या करे, मैंने कहा एक दिन मैं पब्लिशर बनूंगा ना तो छाप दूंगा, चिंता मत करो। तो ये स्थिति, और फिर मैं पब्लिशर बना, तो मैंने अपना जो है धर्म निभाया जो है इनकी पुस्तक को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा कहानी कम्युनिस्टों की मेरी अंग्रेजी ब्लूम्स नहीं छाप पाए अभी तक उस पे, तो हर विचारधारा जो है राष्ट्रवाद का जो नैरेशन हम ले जाना चाहते हैं, जयपुर डावले ले जाना चाहता, हम सब जो लोग राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हो, उस नैरेशन को ले नहीं जाइए। इतने डरे हुए लोग होते हैं कि वो नैरेशन जाए नहीं, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। और मैं एक और बात लोगों को बता देना चाहता हूं, बड़े बड़े अगर पब्लिशर छापते हैं तो हमारे जो लेखक वो बड़े प्रसन्न होते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि उनको मारने की तैयारी है। आप में गए बड़े पब्लिशर में, मेरे पास तो आ गया कि मैं इसका हूं, और उससे मिला क्या आपको? बाबा जी का ठुल्लू, वो किताब ले ही नहीं जा रहे। आपने बस थोड़ा बहुत लोकार्पण कर लिया, सब कर लिया, जब तक लेखक का जो विचार है, लेखक का जो फैक्ट है, जो वो कहना चाहता, वो नरेशन जो है जनता तक नहीं ले जाएगा, पाठक तक नहीं ले जाएगा, तो स्वांता सुखाय कब तक लिखता रहेगा? वो तो खुद जानता ही है, पढ़ता ही है, वो तो जनता तक ले जाना चाहता है। वो बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो ले जाना नहीं चाहते। अगर आपके किताबों को डिस्ट्रीब्यूटर में रखा तो आगे जो है आपकी पुस्तक नहीं रखेंगे वो, आगे भी इसकी भी एक बड़ी कहानी है, उसके लिए स्टॉल में जगह लेने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे WH स्मिथ देखिए, आप जहां एयरपोर्ट से गुजर रहे हैं तो आप देखेंगे ब्लूम्स ने छोटा जगह खरीद रखा है, वो घुसने नहीं देते, तो आपको कहां घुसने देंगे। तो इतने सारे तामझाम हैं कि आम लेखक किसी में खुश हो जाता है कि मेरी किताब किसी ने छाप दीजिए, वो 100-150 कॉपी दे दिया उसने, उसको बांट दीजिए, बस काम खत्म है। हमने 8 किताब लिखी, हमने 15 किताब लिखी, वो कहां तक पहुंची? जब लेखक को ये कहना पड़े कि मैं इस पुस्तक का लेखक हूं, तो समझिए कि प्रकाशक फेल है,
लेखक भी फेल है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फेल है। जनता को जानना चाहिए, कभी नहीं कहेंगे तुलसीदास जी कि मैं रामचरितमानस का लेखक हूं। और तुलसीदास जी का ये दिखाया हुआ मार्ग है मेरे लिए कि जब तुलसी ने रामचरितमानस लिख दिया तो जनता तक जाए कैसे, उस समय एक ही कॉपी लिखी, अब वो जाएगा कैसे। तो तुलसी ने रामचरितमानस आधारित जो है रामायण की शुरुआत की। तुलसी जब उस जमाने में मार्केटिंग कर सकते हैं तो आज का लेखक पता नहीं क्यों झिझकता है। हम तो बहुत सारे, मैं तो लेखक भी रहा इसलिए कोई मुझे ये नहीं कर सकता कि आप लेखक नहीं, आप नहीं जानते। लेखक में एक थोड़ा ईगो आ जाता है, मैं जनता तक अपनी बात कहने ले जाऊं, ये पब्लिशर का काम है। और पब्लिशर तो आपको मारने के लिए बैठा है, उसका तो 5 से 10 ही बड़े ऑथर है उसके बाद, जिससे उसकी पूरी दुकान चलती है और बाकी पुस्तकालयों में, सामाजिक मंत्रालयों में, PSU की फंडिंग में, और सांसदों के पास 22 से 23 लाख का फंड होता है जो किताबों पे खर्च कर सकता है। उस फंड में जाके पब्लिशर बस माला माल होता रहता है, लेखक का विचार पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि इसमें, और मैं इसमें कोशिश, मेरा प्रयास है कपोत में खासकर कि नए लोग लेखकों को अवसर दूं, लेखकों को एक मंच मिले, उनकी पुस्तकें जाएं, उस पर पूरा एडिटोरियल बोर्ड काम करे, ताकि पुराने पुराने हम देखेंगे आज भी कुछ पब्लिशर्स हमारे नए आए हैं, पुराने 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 पुराने, हम उन नाम को सेल करना चाहते हैं, हम विचारों को सेल नहीं करना चाहते। ये हमें बदलना है कि हम उस विचार को सेल करना चाहते हैं जिस विचार में रामकृष्ण, तुलसी, आदि कवि, वाल्मीकि, व्यास सब उस विचार के आए हैं। वेद लोग जानते हैं, बाद वेद व्यास बाद में जानते हैं, रामायण जानते हैं, वाल्मीकि बाद में जानते हैं, लेकिन लोग गलत मार्केटिंग कर रहे हैं इस समय। मेरा विचार है कि वो विचारधारा को लाने का प्रयास है। अब कितना सफल होगा इसकी क्वालिटी क्वांटिटी देखकर आप जो है, अभी क्वांटिटी में भी हमने अभी 1000 किताब छापी और अब हमारे पास पुस्तक, फिलहाल लॉकडाउन के कारण स्थिति यह है कि अब हम दोबारा छापने के लिए प्रिंटर कर रहे हैं, लोग नहीं है हमारे पास, लॉकडाउन समाप्त होने दीजिए, और हम 1000 पुस्तक सप्लाई लोगों तक पहुंचा चुके हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनके साथ होर ले रहे हैं, और मुझे हिंदी के काफी सारे पब्लिशर्स के साथ उनकी पुस्तक भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो वो कहते हैं संदीप जी हम छाप तो लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, ये आपने कर दिखाया, और इससे हिंदी के जो खासकर प्रकाशन जगत को एक ऑक्सीजन मिलेगा, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। और आज आज एक एक पब्लिशर का एक एक जो है पुस्तक, आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ 2-3 दिन में एक एक पब्लिकेशन की 100-100 पुस्तकें निकल रही है। यानी हिंदी जगत ने काम नहीं किया, ये बात दिख रहा है। काम करता तो हम तो अभी अभी आए हैं, काम करता तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। तो मनीष जी की इस पुस्तक को जनता बहुत सराह रही है, और आप खुद एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर हैं, आपने कृष्ण गोपेश्वरा की सीरीज लिखी है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्स पे भी आपने लिखा है, तो आप बताएंगे कि एज ए पब्लिशर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम कितना सफल हो रहे हैं, एज ए लेखक मनीष जी कितना सफल हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चैलेंज है कोविड के समय पर पुस्तक जो है वो पहुंचा पाना, क्योंकि ये देखिए ऑफलाइन बुक स्टोर्स तो बहुत समय तक बंद ही रहे और थोड़े दिनों के लिए खुले वापस बंद हो गए, तो एक ये भी बड़ा चैलेंज इस समय चल रहा है। तो इस चैलेंज में भी यदि आपने तुरंत 1000 कॉपी छाप के और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये तो बड़ी उपलब्धि है, तो मनीष जी को भी बधाई देंगे इसके लिए। अब मनीष जी आते हैं इसकी विषय वस्तु पर, और इसकी विषय वस्तु में आपने जो आरंभ किया है वो हमारे पितामह टेलीविजन युग के, 24/7 टेलीविजन युग के पितामह श्री प्रणय राय की जीवन गाथा से आरंभ किया है। तो प्रणय राय निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है सभी के लिए, विशेषकर हमारे पंचमक्कारों के लिए। तो ये पंचमक्कारों के पितामह का जो जीवन चरित्र आपने इसमें दिया है उसके बारे में कुछ बताएं। ये इस पुस्तक में आरंभ के जो है वो सब इनके बारे में ही है। सबसे क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म और लुटियन मीडिया, ये इसका प्रथम अध्याय है। तो इसमें राडिया टेप और पता नहीं जो बहुत सारी चीजें आप सुनते रहे हैं, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट इसमें काफी कुछ छाप दिया गया है। फिर NDTV हवाला कारोबार, कोयला घोटाले में हमारे जिनको कहते हैं कि बड़े मीडिया ग्रुप्स की संलिप्तता, तो ये बड़े रोचक प्रसंग हैं। तो थोड़े रोचक प्रसंग हमको बताएं तो लोग भी थोड़ा इसकी रुचि लें इसमें, और थोड़ा रोमांचित भी हों, और थोड़ा जो है वो ये जो रंगे सियार हैं उनका रंग भी उतारे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रंगे सियार का रंग उतरना
और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें उनका उनको डिफेम करना है, उस सच को बताना जिसको नहीं बताया जा सका। इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म और लुटियन मीडिया है, कोयला खाती और हवा निकलती मीडिया है, एनडीटीवी और हवाला कारोबार है। आप ये बहुत सही कह रहे हैं कि एक एक तरह से प्रणय राय इसके केंद्र में है, क्योंकि भारतीय मीडिया के वो रूपक मडोक हैं, इसलिए उन पे चर्चा होनी चाहिए। एक बहुत रोचक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी आखिरी नौकरी जिसे मैंने छोड़ा वो ईटीवी में मेरी नौकरी थी, और उस समय में जब ईटीवी में नौकरी कर रहा था तो जो सोशल मीडिया पर पत्रकार सक्रिय रहते हैं, यूट्यूब पे करीब करीब सभी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी था, तो मैं छोटा छोटा एक वीडियो बनाता था और उस पे डालता था। उसमें एनडीटीवी के प्रणय राय पर एक वीडियो था, किसी ने मेरे इमीडिएट बॉस को वहां तक पहुंचाया कि ये आदमी मनीष ठाकुर यूट्यूब पे वीडियो डालता है, प्रणय राय को पर वीडियो डालता है। तो मुझे फोन आया कि आप यूट्यूब चलाते हैं? मैंने कहा हाँ चलाता हूं, सभी जर्नलिस्ट चलाते हैं, फेसबुक ट्विटर पे तो सभी लोग हैं, आप जो हैं भगवान तुल्य प्रणय राय को जो है आपने डिफेम किया, उनके बारे में बोला, उन्हें लगा कि बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड रहा, और कभी हमारी मतलब संदीप, चूंकि मेरे ऐसे मित्र हैं अनन्य मित्र की एक एक चीज जो है उनको सब पता है, और कहते हैं कि यूट्यूब पे आने में भी संदीप की बड़ी भूमिका है, इस सच को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तब मैंने इमीडिएट कहा, जो आमतौर पर डर जाएगा आदमी, मिडिल फैमिली का आदमी तो डर ही जाएगा कि नौकरी जा रही है, कहा कि आप तुरंत जो है रिजाइन कर दीजिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा कि हम नौकरी प्रणय राय का कर रहे हैं या रामोजी राव का कर रहे हैं, ये पहले क्लियर हो जाए। तो भौचक रह गया। हमने कहा सुनिए, भगवान आपके लिए होंगे प्रणय राय, और ये सब ऑडियो रिकॉर्ड है। मैंने बताया कि मेरे पास सब रिकॉर्ड है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला जाऊंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर सालों तक रहा, तो मैं बड़ा ठसक से बात बोलता रहा। और मैंने कहा कि मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, प्रणय राय भगवान आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज जो आपके साथ संदर्भ में एक पिछली चर्चा में हो चुकी है, कि हम तो भगवान से सवाल करते हैं, हम तो उस मुरली वाले से सवाल करते हैं, हम तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम से सवाल करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा प्रभु। तो हम तो सबसे पूछते हैं तुम प्रणय राय को भगवान मान रहे हो? ये तमाम चीज जो मैं बोल रहा हूं, मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई अपने बॉस से, उन्हें लगा कि इसको साइड करते हैं, यदि यार आज प्रणय राय पर बोल रहा तो मुझे भी बोलेगा। मैंने कहा मेरे पास फैक्ट है। उस समय तक सर ये किताब का प्रोसेस चल चुका हुआ था, उसके बाद ये चीजें चली, फिर मैंने रिजाइन किया, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप यूट्यूब पे या तो सब वीडियो डिलीट कर दीजिए या फिर आप यहाँ नौकरी कीजिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। मेरी घर में भी बात हुई, ये अच्छी बात यह कि मेरी पत्नी ने इसमें सहयोग किया, मित्र संदीप देव ने उस समय मेरा मोरल हाउस बनाया, और उन्होंने कहा कि आप टीवी के जर्नलिस्ट रहे हैं, आप यहां बेहतर करेंगे, आप नौकरी छोड़ दीजिए। और मैंने प्रण किया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा। और ये किताब आपको आश्चर्य लगेगा कि उस दौर में लिख करीब करीब एक अंतिम कंडीशन में था, और मैंने नौकरी छोड़ी और फिर इस किताब को प्रक्रिया शुरू किया पूरे रिसर्च के द्वारा, जो आपको कह रहे एनडीटीवी करो हालोवार, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं तमाम चीजें। और मुझे लगा कि ये चीजें पहुंचना चाहिए कि कैसे कैसे इन लोगों ने ये पूरे मीडिया जगत में, वो आदमी कहते हैं कविता है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं, ये लोग साख के पेशे में ये बने रहे। पत्रकार का मतलब, जो लोग इस पत्रकारिता के स्वाभिमान में जीता रहा वो बेचारा गरीबी में 10,000 की नौकरी करता रहा, और ये करोड़ों से खेलते रहे इस अनैतिक धंधे में, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। एक पत्रकार है जिसको धान और गेहूं का फर्क नहीं है उस चिरकुट को, वो बड़े चैनल में बड़ा एंकर रहा, और समय कमाल की बात है, देखिए यूट्यूब पे मौजूद है, वो कह रहा है धान मैं कर रहा हूँ धान के खेत में, धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब आटा, पता नहीं क्या क्या कह रहा है उसका नाम। तो ऐसे ऐसे प्रणय राय ने ऐसे ऐसे लोगों को सर नौकरी पे रखा, जो बड़े बड़े बाप सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत बेहतरीन व्याख्या कर रहे हैं। मनीष जी रुकिए 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 रुकिए, उसका नाम लेना आवश्यक है, उसका नाम है अभिसार शर्मा। और उस अभिसार शर्मा के बारे में संदीप बहुत रोचक जानकारी देते रहते हैं, अभिसार शर्मा कैसे निकालते भाई, ऐसे ऐसे जो है वो महान चिरकुट, जो ये ऐसे ऐसे चिरकुटों की ये टोली है जो बड़ा बना रहा, मुझे लगता है कि उनका सच सामने आना चाहिए। और ये नैतिकता की बात है, जो घोर अनैतिक लोग हैं वो नैतिकता की बातें करते हैं, मुझे लगता है ये चीजें आनी चाहिए सामने, और यही चीजें सामने आई है सर। संदीप जी, ये गेहूं धान, धान गेहूं, तो धान और गेहूं नहीं जानते तो ज्वार बाजरा तो घर क्या जानेंगे, और ये थोड़ा सा इनके बारे में बताए ना, इनकी तो पत्नी जो है वो बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं IRS की रहते हुए लोगों के काफी काम वाम करती रही, और
जो आपके क्या नाम है एसके श्रीवास्तव साहब का, वो लिखा है मनीष जी ने भी अपने, क्योंकि ये जैसे जैसे ये जब ये घटनाएं बताएंगे तो उससे जो छोटी छोटी घटनाएं निकलेगी उनके बारे में भी तुरंत थोड़ी सी बात कर लेना आवश्यक है, तो थोड़ा आप भी बताएं जरा। मैं इसकी शुरुआत आपको ना मृणाल पांडे से करूंगा, मुझे लगता है मनीष जी ने शायद लिखा होगा। मृणाल पांडे को एनडीटीवी ने उस समय एडिटर बनाया था, एनडीटीवी का मोडस ऑपरेंडी है, फिर अभिसार में आप समझ में आएगा। और मृणाल पांडे के जो पति हैं वो बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, वो एक पीएसयू में बॉस थे। ये तय किया एनडीटीवी ने कि वो हर महीने पीएसयू 7 लाख रुपए का विज्ञापन एनडीटीवी को देगा शुरुआती दौर में, और मृणाल पांडे को उसमें से 2 या 3 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी एनडीटीवी में। और एनडीटीवी की वो एडिटर बनी रहेंगी। ये जो बड़े पत्रकार जिनको हमारे आपके घर की महिलाओं ने इनको साहित्यकार के रूप में भी पढ़ा है, जरा उनके काले चेहरे देखते जाइए। और अपने पति की के बल पर, पति के सरकार का माल हमारा आपका माल लूटकर उनका पति एनडीटीवी को प्रणय राय को देता था, प्रणय राय उसमें से सैलरी मृणाल पांडे को देता था और एनडीटीवी का वो उसको एडिटर बनाया। यही काम किया अभिसार शर्मा के साथ, और न सिर्फ अभिसार शर्मा, इसका एक मॉडल ब्रांडी है पूरा कि एनडीटीवी ने हर ब्यूरोक्रेसी और सेना, ये दो चीजों में उनके बच्चे, उनकी बीबी, उनका पति, इनको टारगेट किया और इनको टारगेट किया और इनको लाया सेना में घुसने के लिए। आप देखेंगे पहले पहले वो शो लेके आए थे ताकि सेना के अंदर की जानकारी मिलती रही, और उसी दौर में बरखा दत्त कारगिल कर चुकी है ये लोगों को पता है। ब्यूरोक्रेसी उनको विज्ञापन दिलवाता रहे, उनके काम करवाता रहे, तो उनके बच्चे, उनकी बीबी, उनके पति उनका जो है काम करते रहे। तो अभिसार शर्मा उस समय शायद जी टीवी में था, उसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए थी। प्रणय राय को पता चला, धंधेबाज है वो, तो धंधेबाज को पता चला इसकी पत्नी तो IRS से काम आएगी, तो उसने कहा उसको अभिसार शर्मा को जॉब ऑफर किया। अब अभिसार शर्मा को 10,000 से सीधे 60,000 रुपए सैलरी, पता नहीं क्या देखा उसको क्या नहीं देखा, कैच 6 गुना पे कैसे उसको उस समय, और अभिसार शर्मा को लाया गया। अब पत्नी क्या करती IRS, जो आरोप के मुताबिक, मैं अभी भी आरोप ही कर रहा हूं, पत्रकारिता का धर्म है जब तक प्रूफ ना हो तो आरोप कही, आरोप के मुताबिक, और ये तो नरेंद्र मोदी पर रोज कत्ल कर का डायरेक्ट ही कहता है, मैं तो इस पे आरोप लगा, हत्यारा, आज भी हत्यारा कह रहे हैं। एक चीज संदीप जी को मैं रोक करके, एक चीज रोक करके मैं कहूंगा, ये पत्रकारों की टोली आज जब किसी की मौत होती है तो सीधे कहते हैं कि हत्यारा प्रधानमंत्री है, और आज भी हत्यारा कर, लेकिन इनके ऊपर जब कहा जाएगा तो ये बौखला जाते हैं। संदीप जारी रहिए। हाँ, तो उसकी पत्नी जो है IRS थी। अब इसका फायदा NDTV को लेना था, NDTV को कर की चोरी करनी थी, टैक्स की चोरी करनी थी, तो टैक्स की चोरी उसकी NDTV की जो ऑडिटिंग है जो IRS अधिकारी कर रही थी वो अभिसार शर्मा की पत्नी कर रही, और वो टैक्स की ना सिर्फ चोरी में मदद कर रही थी बल्कि NDTV ये ना जो टैक्स हम एडवांस टैक्स भरते हैं कई बार, वो टैक्स भी रिटर्न करवा दिया है, NDTV को टैक्स भी नहीं भरना पड़ा। इसके एवज में NDTV उसके पति को मालामाल करता जा रहा था, बिल्कुल ये एक तरह से आप देखिए हवाला मली का धंधा चल रहा था कि तुम्हारी पत्नी काम कर रही है वो रिश्वत तुम्हारे पति की सैलरी के रूप में जाएगी, और वो उसको जा रहा था। उसके बाद इनको एक विदेश, इतना मालामाल कर दिया NDTV को कि एक बार विदेश यात्रा पर इनको भेज दिया, और इनको जो है अभिसार शर्मा जैसे एंकर को, जिसकी कोई इतनी बड़ी औकात नहीं थी NDTV में, विदेश यात्रा पर पत्नी के साथ भेज दिया उसको। एक अधिकारी को, श्रीवास्तव जी को जब पता चला, तो ये देखिए कितने नीच लोग हैं, मैं नीच शब्द उपयोग करना मुझे अच्छा लगेगा इनके लिए, अपनी पत्नी का मैं इस्तेमाल शब्द भी याद इसमें करना चाहूंगा, यौन शोषण के रूप में किया, कि जबकि एक अधिकारी ने केस खोल दिया NDTV का तो उस पर उनकी पत्नी एक और औरत ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ये इतने गिरे हुए लो लेवल लोग हैं ये, और उसमें हाईकोर्ट में बहस चल रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी बैठता है इस बिल्डिंग में, तुम बैठते हो इस बिल्डिंग में, तो कौन से जगह पे यौन शोषण हुआ, कोई जगह तो होगा जहां यौन शोषण हुआ, यौन शोषण का आरोप लगाया। और NDTV को पूरा नट बोल्ट उस अधिकारी ने खोला, उसमें पूरा ये साफ दिख रहा था कि ये पूरा मैटर है। NDTV से अभिसार शर्मा को भागना पड़ा ABP न्यूज, ABP न्यूज भागा, और जब AP, क्योंकि
उसमें ऑफिस प्रॉफिट का मैटर आ रहा है तो उसको भागना पड़ा, वहां एनडीटीवी ने विदा किया ये। और ये मैं आपको बता दूं, ये सारे केस जो है ये नहीं कि मोदी सरकार ने आए और दर्ज करवाए मोदी को बदनाम करने के लिए करेंगे, ये सब यूपीए एरा का केस है। यूपीए की एक क्या ताकत है यानी कांग्रेस की, वो आपकी हम जिसकी भी वो फाइल बनवा के करती है, देख ऐसे देख फाइल देख, अब मेरे हिसाब से चल वरना फाइल खोल दूंगा। तो ये सारे फाइल बनाए हुए हैं 2011-12 के आसपास, ये चिदंबरम ने फाइल बनवा रखे हैं सभी कि फाइल खोल दूंगा नहीं तो काम करो। और आपको जो उनके संजय बारू की किताब में है ये कि मनमोहन सिंह ने फोन कहा संजय बारू को जरा फोन मिलाओ प्रणय राव को, उसकी किताब में इसलिए, और उसको डांटा कि तुमने मेरे खिलाफ खबर कैसे की, ये लोग एडिटर रहे हैं आज ये पत्रकारिता की बात करते हैं, तुमने ये कहा ये खबर कैसे की, रोबोट भी जब डांट सकता है प्रणय राय को तो आप सोचिए कि क्या स्थिति थी एनडीटीवी की। और अशोका होटल बना के और द पार्क होटल बना के रेडिसन बना दिया राष्ट्रपति भवन को प्रणय राय ने, उसमें उसके प्रोग्राम होते थे, ये उसकी हैसियत थी उस समय। तो जब इसको एबीपी न्यूज से मैं गया तो एबीपी न्यूज में भी ये फर्जी बात, ये एंकर इसको कुछ मालूम नहीं है, ये वो लोग, मैं एंकरों को कभी रिपोर्टर या पत्रकार नहीं बोलता, उनको प्रस्तोता बोलता हूँ। एंकर वो प्रस्तुत करते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, भले जर्नलिज्म का डिग्री हो पर डिग्री लेके तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज की डिग्री लोगों के पास नहीं है, आधी उम्र तो डिग्री लेने में चली जाती है। अब भाधीर भाई के पास तो कोई डिग्री थी नहीं, तो डिग्री भले ले लें लेकिन ये असल में न्यूज की समझ इनकी बड़ी कम है। और इसने एक संस्कृति कांड जो है 2017-18 में उसको फर्जी तरीके से फैलाया, एक संस्कृति नाम की लड़की थी लखनऊ में, उसकी हत्या हो गई। जब उसकी हत्या हो गई तो इस आदमी ने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी मनगढ़ंत तो उसका रेप भी करवा दिया। अब रेप जब करवा दिया तो योगी जी का तो वही स्टाइल है कि आप प्रूफ करो, FIR हो, तो संस्कृति के माँ बाप ने FIR दर्ज कर दिया। FIR दर्ज किया तो एबीपी न्यूज ने, और वो खबर सबसे पहले indiaspeakdaily.com पे छपी थी, इंटरनल सोर्स से हमने पूरी पता की, तो एबीपी न्यूज ने कहा कि वो स्वाभाविक है, एंकर से रिपोर्टर से, मैं खुद जितने केस मेरे पे दैनिक जागरण में हुए नहीं दुनिया में हुए, वो रिपोर्टर को ही कहा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए आप लेके आइए। तो अभिषार शर्मा से कहा गया कि भैया ये नोटिस है इसका जवाब दे दो और प्रूफ दे दो, प्रूफ तो था नहीं, तो अभिषार शर्मा ने रात दिन सबको फोन किया, यार किसी भी तरह से साबित कर दो कि रेप कुछ भी छेड़ा हो, जिसको फोन किया उस आदमी की बात कर रहा हूं, बोला कितना गिरा हुआ इंसान है, कह रहा कुछ भी छेड़ा हो यही बता दो, कुछ तो बता दो, वो अब रेप तो साबित नहीं होता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सब है। तो अभिषार ने जो लेफ्ट लंपटों का एक की आदत होती है कि वो विक्टिम कार्ड खेला और एबीपी न्यूज में बोला कि आप मोदी के दबाव में, आप योगी के दबाव में, ये मीडिया बिक गई है, उसने कहा भाग यहां से, उसको भगा दिया वहां से। उसके बाद से यूट्यूब चलाता है और यूट्यूब पे जितनी गंदगी करता है करता है। तो ये जो किताब है पत्रकारिता का काला अध्याय, वो सिर्फ पत्रकारिता का काला अध्याय नहीं है, पत्रकारों के बेडरूम का, पत्रकारों की अपनी लाइफ का, उनके परिवार का काला अध्याय, जहां बेडरूम सब इसलिए कह दिया किसी को बुरा लगेगा, आप हाईकोर्ट में कह रहे हो यौन शोषण हो रहा है सिर्फ रिश्वत बचाने के लिए, तो हम तो नहीं कह रहे, आप कह रहे हो, ये उस स्तर की ये आपको इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। और जब आप उस जमाने में, बहुत कम लोगों ने आउटलुक पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने ओपन मैगजीन पढ़ा होगा, जब नीरा राडिया और बरखा दत्त की और उन सब के जो वीर सांघवी, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था ही, और खाना पे लिखता था, आप समझ लीजिए, और ये खान चाचा रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं ना, ये उस समय बैठते थे ये खाने पे लिखने वाले, और खाने की रेस्टोरेंट इनको फिनांस करता है, मैंने भगवान ने मुझे हर बीच में काम करवाया है इसलिए मैं जानता हूं इसको, रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटल आपको आपको फिनांस करती है, आपकी फैमिली के साथ स्वीट बुक होते हैं आपके, खाना बुक होते हैं आपके, वहां आप जाते हो बस आपके बिल नहीं आते, इसी में खुद, और वो खाने पे रविवार को कॉलम लिखता था। इन लोगों ने पूरी जो लॉबिंग की है उस समय, ओपन मैगजीन और आउटलुक ने छापा, कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको इस किताब में मिलेगी कि किस तरह की पत्रकारिता की गई, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बने उससे पहले बरखा दत्त ए राजा को मंत्री बनवा चुकी थी ये सरकार। और इसीलिए मैंने इस सरकार और इस पत्रकारिता के लिए मैंने इस किताब में एक हेडिंग भी दिया था, मनीष जी ने कहा कि उचित रहेगा नहीं रहेगा, मैं जो शब्द यूज करता हूं इनके लिए, पेटीकोट पत्रकार, अकबर के शासन को पेटीकोट शासन कहा जाता है, ये सोनिया गांधी के पेटीकोट पत्रकार थे और वही उसी पेटीकोट में बंधे हुए थे, वही
आप आपकी सासू माँ क्या करती है, आप पास्ता कैसी बनाती हैं। तो आप देखिए पत्नी तो पत्नी का उपयोग किया, पत्नी का उपयोग किया है, जो है तो पेटीकोट पत्रकारिता मैंने इनके लिए शब्द जो यूज किया है, तो असल में वो पेटीकोट पत्रकारिता आपको इस किताब में मिलेगी, दिखेगी, पढ़ने को मिलेगी पाठकों को। इसमें जो है सर, इसे आगे बढ़ाओ आपके सवाल से कहीं छूट ना जाए, संदीप जी ने जिस चीज को रखा है सामने उस मैं पूछ लूं आपसे। जी, इसमें एक तो राडिया टेप और एनडीटीवी और एनडीटीवी और हवाला पत्रकार का हवाला कारोबार आपने एक्चुअली इसको तीसरे चैप्टर में लिया है और कोयले को दूसरे में लिया है और क्रोनी कैपिटलिज्म को पहले में लिया है, तो आपने राडिया पहले लिया सबसे। तो राडिया ले लेते हैं पहले, जरा राडिया टेप्स के बारे में बता दीजिए, फिर हम कोयला लेंगे और फिर हम प्रणय राय की जो कारस्तानियां उनको लेंगे। बिल्कुल सर, कहा कि आप राडिया टेप अपने आप में एक उदाहरण है, और इसीलिए जो संदीप जी ने जिस चीज को सामने रखा कि उसकी चर्चा जो संदीप कह रहे थे, तो चर्चा इसमें है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये किताब एक तरह से हम दोनों के का साझा सफर भी है, हम दोनों के अनुभवों का साझा सफर भी है कई चीजों में, क्योंकि हम लोगों ने ट्रू जर्नलिज्म की है, एकदम से होता है ना कि जो समर्पित भाव से किया, और इसका असर यह है कि बहुत अच्छी बात परसों संदीप कह रहे थे मुझसे कि मनीष भाई इस पेशे में हमें कोई गुरु नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं आजकल, कोई पत्रकार जो है दिवंगत हो रहे हैं, मेरे गुरु थे, और इस सच में हम दोनों का एक कॉमन चीज है कि इतने दिन टेलीविजन चैनल में रहा, मेरा कोई गॉड फादर नहीं बन पाया। अभी मैं कभी कभी सोचता हूं कि कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि मेरा पत्रकारिता में कोई गुरु नहीं मिल पाया मुझे। मैं सचमुच ये पीड़ा के साथ कई बार कहता हूं कि शायद, या फिर मैं बना नहीं पाया, क्या हुआ। मुझे लगता है इस किताब को लिखने का वो भी एक कारण है। राडिया टेप जो है वो दरअसल दिखा रहा है इस केस में, जो आपने कहा पहले क्यों लिया उसको, राडिया टेप दिखा रहा है कि न्यूज रूम में, बड़े बड़े चैनलों के न्यूज रूम में सरकार का मंत्रिमंडल तय होता था, और आज ये चिरकुटों की टोली आज ये कह रही है, सवाल करती है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करते थे, पत्रकार नहीं थे, ये दलाल थे जो भारत सरकार का मंत्रिमंडल तय करते थे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग की, इनकी कमाई का स्रोत क्या था, ट्रांसफर पोस्टिंग का। एक चैनल ऐसा जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में होता है, एक चैनल ऐसा जहां पर राडिया टेप में ये टेलीफोन का, ये कोई नहीं, ये टेलीफोनिक टेप का रिकॉर्ड है जो आउटलुक ने छापा है और हमने सभार लिया है उस चीज को, ये दर्शाता है कि करते क्या थे। आज क्या, आज देखिए हेमंत विश्व शर्मा आज चीफ मिनिस्टर, मतलब वो चुन लिए गए, किसी को कानों कान खबर नहीं। उस समय राडिया टेप के द्वारा मतलब मंत्रिमंडल तय हो जाता था, और मनमोहन सिंह से पहले किसी टीवी चैनल के पत्रकार को पता चलता था कि मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल में कौन होगा। ये क्या है ये समझ में, और ये लोग नैतिकता की पाठ करते हैं, इसीलिए ये चीजें देनी जरूरी थी, और एक एक चीज इसीलिए उठाया गया। इसीलिए सर मैं कहता हूं कि ये किताब पत्रकारिता के छात्रों के लिए सिर्फ नहीं है, ये किताब 20 साल तक के भारत की राजनीति को समझने का है, पूरा उस कॉकटेल को समझने का है कि कैसे घालमेल राजनीति और पत्रकारिता ने इस देश के साथ किया है। मेरे कई साथी जो हैं, जो तथाकथित उस चैनल से हैं, मुझे पोस्ट में लिखते हैं कि मनीष भाई इस किताब में क्या मोदी जी के बारे में भी कुछ आपने छापा है क्या, कि वो अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं। मैंने कहा पहले किताब पढ़ो। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि आपके दुश्मन ज्यादा पढ़ेंगे सर, कई क्योंकि हमने दुश्मन ज्यादा बना लिए हम लोगों ने, क्योंकि जब आप बोलते हैं चुप रहने की कीमत है कि आपका कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन आप जब कुछ सक्रियता दिखाते हैं तो होता है, इसलिए होता है कि द मनीष ठाकुर शो को देखिए स्ट्राइक मारा एक चैनल ने, कमाल की बात, देखेंगे कि यूट्यूबर्स को स्ट्राइक कोई यूट्यूबर मारता है, एक चैनल मार रहा है स्ट्राइक, मतलब उसके सामने मेरी क्या हैसियत है। द मनीष ठाकुर ये दिखाता है कि आपके पीछे क्या चीजें हैं, इसलिए क्योंकि आप बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है एक एक अध्याय इसके दस्तावेज हैं, और मैंने ये प्रयास किया है कि सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एक चीज छूट ना, जैसे जो संदीप जिक्र कर रहे थे, ये सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर कहा करते थे कि एनडीटीवी एक ऐसा मंच जो बड़े बड़े बाप के नालायक बेटे, नालायक मतलब जो पढ़ाई लिखाई में अंडा लाने वाले, जैसे राहुल गांधी अंडा लाते हैं, बंगाल में गए वहां अंडा ले आए, केरल गए वहां अंडा ले आए, जहां जाते हैं वहीं अंडा ले आते हैं, लेकिन हैं तो वो सोनिया पुत्र, राजीव गांधी के पुत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र, तो वो कहीं सेट हो जाएंगे। दरअसल ये टेलीविजन सिर्फ यही नहीं सर, ये टेलीविजन ऐसे अयोग्य लोगों को जो बड़े बड़े बाप के थे, क्यों, क्योंकि वो सोर्स बनेंगे, वो दलाली का माध्यम बनेंगे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का माध्यम बनेंगे, इसलिए सही मायने में इस पेशे को पत्रकार नहीं मिल पाया, इस पेशे को मैक्सिमम संख्या में दलाल मिल पाया, इसीलिए ये समझते सबको अपने जैसा, एक चैनल से निकाला जाता है दाढ़ी वाला पत्रकार,
जो अपने आप को कहता है कि वो बहुत क्रांतिकारी है। अरविंद केजरीवाल के साथ इंटरव्यू में वीडियो लीक होता है, कहता है सेटिंग कर रहा है, बहुत क्रांतिकारी है, नौकरी से जाता है तो कहता है 500 करोड़ का सौदा। मतलब नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ एक चैनल को दिया तब उसको निकाला, फिर एक छोटे से चैनल से बाहर आता है तो कहता है कि 250 करोड़ का सौदा। ये लोग समझते हैं कि मतलब ये इतने बड़े हैं। आज देखिए इन चिरकुटों की क्या चिरकुटाई है कि इनके प्राइम टाइम इन्हें लगता था कि हम निकल जाएंगे चैनल बंद हो जाएगा। कोई साधारण सी लड़की आती है, जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि प्रस्तोता, एक प्रस्तोता आती है और तुम्हारे अहंकार को दोनों गाल पे लप्पर मारती है, तेरी यही औकात थी ना, तू प्राइम टाइम करता था ना, एक प्रस्तोता आई बच्ची टाइप की लड़की, तुमसे बढ़िया टीआरपी दे रही है। ये इस पेशा का चरित्र है जो मुझे लगता है इस किताब में पूरी तरह से साफ है जी। और हमारे इसी में जब मोदी जी की बात आप जो की, तो आपने राजदीप की भी बात की है। राजदीप के बारे में तो संदीप जी बताएंगे, वो तो संदीप बेहतर बताएंगे मास्टर है संदीप राजदीप मामले के। राजदीप नहीं मैं राडिया टेप पर ना थोड़ी बात थोड़ी रह गई। मैं राडिया टेप पे राजदीप की जो एक खास बात आपने बताई थी वो तो वायरल है चारों तरफ, वायरल है वो नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा राडिया टेप के बारे में पढ़ देता हूँ, लोगों को पता चलेगा। अभी तमिलनाडु में एक नई सरकार बनी है, स्टालिन मुख्यमंत्री बनी, और पत्रकार कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर दलाली करते हैं, उसका कुछ दस्तावेज इसमें आपको खुद उनके हिसाब से है। वीर संघवी से साथ बात हो रही है, वीर संघवी टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स के तब एडिटर होते थे, और वो कह रहे हैं कि वो उसको राडिया को कह रहे हैं कि वीर संघवी फोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि किसको मंत्री बनाएंगे, कौन लोग बनेंगे। वो कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे समझ में, मुख्यमंत्री की ओर से काफी राहत मिली मुझे और उन्हें यह समझ में आया कि सब कुछ किया जा सकता है। वीर किसके द्वारा? मारन के द्वारा। और लेकिन मारन को लाने मुझे राजा की जगह मारन को लाने के लिए दबाव है, राडिया कह रही है। वीर कह रहा है किसके ओर से दबाव है? वीर सांघवी, उसका चेहरा देख लीजिएगा आप लोग निकाल के, बहुत बड़ा दलाल है। राडिया कह रही है यह स्टालिन और उसकी बहन सेल्वी की तरफ से दबाव है। वीर सांघवी कह रहा अच्छा। राडिया, मैं समझती हूँ, अब ध्यान से सुनिए इस लाइन को, कैसे पत्रकार लॉबिंग कर रहा है, अरबों की लॉबिंग होती है। मैं समझती हूँ मारन ने स्टालिन की मां दयालु को 600 करोड़ रुपए दिए हैं। अब पत्रकार देखिए, उसके लिए अगर पत्रकार होगा तो वो इस चीज को छाप सकता है, पर वो दलाल है वो नहीं छापता है। तो अब वो वीर संघवी क्या अपना हेकड़ी क्या मारता है। मैं आज सोनिया से मिलने गया था, सोनिया उसकी घरेलू नौकर की तरह यूज कर रहे हैं ये लोग, भले बाहर महारानी करते हो। मैं सोनिया से मिलने गया था लेकिन यहाँ मिल नहीं पाया, फंस गया हूं। सो अब कल ही जाऊंगा, राहुल से मिलता रहता हूं, उससे अक्सर मिलता रहता हूं। राहुल को ये लोग पप्पू बनाए फिरते हैं और उसके जरिए जो खेल करना चाहते हैं वो दिखा रहा है। एक अभी बड़ी पत्रकार है, आपको देखेगी हर समय जो है आपको बकवास करती हुई दिखेगी, वो है रोहिणी सिंह। हाँ। इसमें एक और चीज बता देता हूँ कि जो 2 BHK वाली है, 3 BHK वाली है, वो 2 BHK वाली है, 2 BHK वाली है। तो ये जो द वायर शुरू हुआ था पत्रकारिता जगत में, एम वेणु को हर कोई जानता है कि ये चिदंबरम का राइट हैंड है। वायर को शुरू करने में जो सिद्धार्थ वरदराजन है, वेणु है, और पैसे कहाँ से आए हैं आप समझ लीजिए, पैसे कहाँ से आए हैं। और वो जब सिद्धार्थ वरदराजन को डायरेक्ट एडिटर बना दिया था इन राम ने, कस्तूरियन ग्रुप ने हिंदू में, तो इस पर केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी का केस था, वो भी मैंने पब्लिश किया था इसलिए मुझे याद है। तो उसमें था कि कोई भी एडिटर जो बाहर की नागरिकता रखता होगा वो यहाँ एडिटर नहीं बन सकता, और उसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का। तो ना, उसके पास नागरिकता है, ग्रीन कार्ड नहीं, नागरिकता है उसके पास, नागरिकता है, और वो OCI कार्ड है उसके पास, ओवरसीज सिटीजन कार्ड, उसके बेसिस पे वो यहाँ रहता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो नक्सल, हमारी नंदनी सुंदर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। तो जब हाईकोर्ट ने नोटिस किया उसको कि आपने कैसे रखा, तो इन्होंने नोटिस का दावा अगर 20 को देना है तो इन्होंने 15 को उसको फारिग कर दिया सिद्धार्थ वरदराजन को, और 20 को कहा हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी ही नहीं है। ऐसे धोखा दिया जाता है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, पत्रकारिता कैसे धोखा देती है अदालतों को भी। इसलिए एन राम जब ऊपर मोड़ के नीचे मोड़ के राफेल छापते हैं तो समझिए वो कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है।
वो जो जब सरकार आ गई तो एम वेणु ने और सिद्धार्थ वरदराजन ने इन सब ने मिलके चिदंबरम के साथ, ये साफ पत्रकारिता में कोई भी आपको बताएगा कि वायर को खड़ा किसने करवाया, और एम वेणु अपने साथ की सारी ले गई, उसमें रोहिणी सिंह को भी ले गया। अब आप सुनिए कि रोहिणी सिंह कौन है, ये बड़े ज्ञान बांचती रहे। एम वेणु, आपने रोहिणी की खबर आज देखी, यानी प्लांटेड खबर, और फिर अपने दलाल को कहा जा रहा है कि आज खबर छप गई, हमने छाप दिया, तुमने देखा? राडिया कह रहा है मैंने नहीं देखी, मैं अब इसे देखूंगी, रात 1:30 बजे तक व्यस्त रही वेणु, लेकिन खबर अंदर डाल दी गई है। आप देखिए एडिटर जो है मतलब गिरने की पराकाष्ठा है कि खबर कहाँ जाएगी ये अखबार तय करता है, यहाँ राडिया तय करने के लिए कह रहा है कि खबर अंदर जाए चली गई। आज मनोज मोदी का वक्त भी जो है, और वो कह रहा है कि अगर मैं होता तो अखबार में से लीड फ्लायर में इसे छापता, यानी पूरी पत्रकारिता का एडिटोरियल एक दलाल तय करती है राडिया, और वो लोग आज पत्रकारिता पे ज्ञान बांच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने चूंकि राजदीप का पूछ दिया, तो राजदीप तो ससुर द्वारा पैदा किया पत्रकार है, वो तो बाई नेचर पत्रकार है नहीं, ससुर ने तो शर्त ही रखा उसको कि भैया सुनो मेरी बीवी बेटी को खुश रखोगे तो मैं तुम्हें भी नौकरी दूंगा और बेटी को तो दूंगा ही। अब सरकारी नौकरी में तो भास्कर घोष सर्वे सर्वा थे दूरदर्शन के, प्रसार भारती जो भी कहिए, तो बेटी को सागरिका घोष के लिए उन्होंने एक खिलौना खरीदा, उस खिलौने का नाम था राजदीप, उस खिलौने की पूरी नौकरी से लेके सब कुछ सेट किया गया। और यदि आप 90 के दशक में राजदीप जब टाइम्स ऑफ इंडिया में था, आप देखेंगे कि वो दाऊद इब्राहिम के लिए पक्ष में लेख लिख रहा है, वो आदमी इतना चरित्र का गिरा हुआ है, चरित्र का गिरा बता रहा हूं, दाऊद इब्राहिम के पक्ष में वो लेख लिख रहा है कि दाऊद इमोशनल इनोसेंट है, उसको फंसाया जा रहा। यही नहीं, आप लोगों ने अभी देखा होगा, कई लोगों ने हर्षद मेहता पे सीरीज आई है, जो नहीं देखे जर्नलिज्म को समझने के लिए उसको सीरीज को देखिए सोनी लीव में, तो उसमें जो सुचिता दलाल है, अच्छी जर्नलिस्ट है वो, सुचिता दलाल जब हर्षद के खिलाफ खबर छाप रही है, राजदीप उसको रोक रहा है, राजदीप उसको, और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे दिलीप पड़गांवकर जो अब गुजर गए, और दिलीप पड़गांवकर फाई की गुलाम नबी फाई ने जो ISI के एजेंट है, उसने जो लिस्ट दिए थे कि कौन कौन पत्रकार उसके पेरोल पे हैं, मनमोहन सिंह के कश्मीर पे वार्ताकार पड़गांवकर प्रमुख वार्ताकार थे और वो ISI के पेरोल पे थे, उन्हीं को ये अहंकार था कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के बाद, ये उन्हीं के वक्तव्य है, भारत में प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा पोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक, ये वो दलाली करके लोगों ने, और मैं उन्होंने वो जब, अच्छा मुझे ना पाखंड नहीं आता, वो जब गुजरे तो मैंने लिखा कि सब रो रहे हैं फालतू नाटक कर रहे हो, ये तो दलाली कर रहे थे, मुझे सबने गाली दिए कि ऐसे समय नहीं बोलना चाहिए, अब मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। तो उस दिलीप पड़गांवकर को, उसमें दिलीप पड़गांवकर जो राजदीप सरदेसाई है, उसने खबर तक रोकी हर्षद की, यानी ये हर दलाल के साथ ये साथी रहा है राजदीप सरदेसाई, और राजदीप सरदेसाई के जैसे आप इसको देख रहे हैं अजीत अंजुम को, राजीव शुक्ला माइनस करिए तो वो जीरो है, राजदीप सरदेसाई के का ससुर उसके माइनस कर दीजिए वो जीरो है, और ये लोग बड़े जर्नलिस्ट बन गए। कैसे बने, आपको मैं अपनी एक पुस्तक के हिसाब से बताता हूँ साजिश की कहानी। जब ये जो चीज तीस्ता शीतलवार कब्र खुदवा रही थी, देखिए सबूत से कैसे हेर फेर होते हैं, उस समय एक पत्रकार वहां मौजूद था, पत्रकार को बोली इसको शूट करो, वो सहारा का पत्रकार था, सहारा के पत्रकार ने कहा ये कानून गलत है, बिना पुलिस के आप कब्र कैसे खुदवा रहे हो, हम इसको नहीं कर सकते। राजदीप सरदेसाई चैनल का मालिक हो चुका था, CNN IBN का मालिक हो चुका था, इस रिपोर्टर ने मना किया, रिपोर्ट इसलिए मैं प्रस्तोता और रिपोर्टर में अंतर आपको इस उदाहरण से समझ में आएगा, रिपोर्टर ने कहा ये गैर कानूनी, आप बिना पुलिस के आप कब्र कैसे खुदवा रही, हम इसको नहीं चला सकते, हमको अपने ऊपर परमिशन लेना होगा। तब तक मेरा ये जो तीस्ता शीतलवार ने फोन किया राजदीप को, और राजदीप ने टिकट चलाना शुरू किया, आप देखिए कैसे खबर किया जाता है, और इस रिपोर्टर को सहारा में लात पड़ी कि तुम्हारे पास खबर थी नहीं चलाया, पूछने की क्या जरूरत। तो ये ऐसे पत्रकारिता को बेचने वाले जब पत्रकार बन जाते हैं तो बहुत बहुत दुख होता है, और ऐसे इन लोगों को हर विचारधारा का, माफ कीजिएगा, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी
मैं ऐसे सांसदों को जानता हूं भाजपा के, जो अगर राजदीप रवीश कुमार जब उनके लिए लिख देते हैं, सांसद बता रहा हूं, संघ के सांसद प्रोफेसर मेरे लिए रवीश ने लिखा, ऐसा लगता है चप्पल चाट लेंगे। ये नैतिकता इतना ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है ना जर्नलिज्म, कि पॉल्यूटेड जर्नलिस्टों से सर्टिफाई होने के लिए ये लोग मर रहे हैं। ये और ये पॉल्यूशन को साफ करने की जिम्मेदारी, मैंने हमेशा से यही कहा, लोग मुझे कहते हैं पत्रकारिता बहुत हमला करते हो, हम अपना घर जब बुहारते हैं तो झाड़ू ना सीधा ऐसे चलाते हैं बाहर, बाहर से नहीं झाड़ू चलाते, तो जिस पेशे में उसको हमें ही साफ करना पड़ेगा। इसलिए ये किताब पत्रकारिता के पेशे को साफ करने का काम करेगी, यदि लेकिन वो इतना सड़ चुका है कि साफ होगा, नए बच्चे पढ़ें कम से कम कुछ सीखेंगे कि किस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए। जी तो अब जरा कोयले के बारे में बात कर ले, और साथ में मैं अभी हमारे एक विशेष आग्रह किया था अभिषेक तिवारी जी ने कि साहब मैं रवीश जी पे कुछ बात करना चाहता हूँ आपके शो में, तो मैंने उनको भी कहा कि भाई हम आपको बाद में बुला लेंगे, अंत में तो मैं उनको भी अवसर दूंगा। रवीश जी के बारे में माननीय महामहोपाध्याय श्री रवीश चंद्र पांडे जी की स्तुति में वो कुछ कहना चाहते हैं, विशेष रूप से कह रहे हैं, मैं बिहारी पर्सपेक्टिव से कुछ कहूंगा। मैंने कहा बिहारी तो संदीप देव जी भी हैं, कि नहीं नहीं मैं यार कुछ विशेष कहना चाहता हूँ तुम्हें, तो विशेष के लिए मैं अभिषेक तिवारी जी को भी मैंने भेज दिया है कि 5 मिनट में आप भी ज्वाइन कर लो। तो हाँ साहब, तो अब बचा कोल और प्रणय राय, ये दो आप बताइए, फिर हम रवीश जी के बारे में बात करेंगे। इस किताब में सर जैसे कि मैंने कहा कि केंद्र में ये घूम रहा है, इसमें प्रणय राय ही सेंटर पॉइंट हैं, भारतीय मीडिया के रूपक मर्डोक कहे जाते हैं, और कई चीजों को कि कैसे उनके ऊपर, जैसे संदीप कह रहे थे बहुत अच्छी बात कि सरकार ने क्या किया, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस ने हमेशा यही काम किया और तुम बस हमारे लिए काम करते रहो वरना निपट जाओगे। जैसे एक बेहतरीन उदाहरण है, मेरे एक मित्र लॉयर हैं, उसने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उनके माध्यम से 100 करोड़ रुपए की सेल डीड का मामला, कि मुलायम सिंह और उसके परिवार के ऊपर इस ढंग का आरोप है, और ये सोनिया गांधी की कांग्रेस ने उस समय में लगाया और उन्हें उम्मीद थी कि वो कभी राज्यसभा भी चले जाएंगे वो, और ये नाम एक पेंडुलम के रूप में रहा और आज तक लटका हुआ है, कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को इस्तेमाल करने के लिए। इसी ढंग से ये सरकार जो 10 साल चली, इसने लगातार पत्रकारों को इस रूप में इस्तेमाल किया कि इनकी पोल पट्टी सब जानते थे, तब भी इन्हें किस ढंग से इन्हें लटकाया रखा गया, और इतने गंभीर आरोप प्रणय राय पर कि दूरदर्शन में जब थी तो दूरदर्शन के सामान की चोरी का इस किताब में जिक्र भी है। अशोक श्रीवास्तव जो हम लोगों के सीनियर साथी हैं, अशोक श्रीवास्तव के बयान के आधार पर, क्योंकि उन्होंने कई यूट्यूब चैनल पर भी कहा, और ये सब चीज ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ऐसा नहीं कि अशोक जी कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कैसे दूरदर्शन में जब वो थे तो दूरदर्शन के सामान उठा करके और इसको खड़ा किया। और वो जो जो जिस चीज की चर्चा कर रहे थे संदीप की, दामाद बाबू थे रवीश राजदीप, तो उस क्यों दामाद को लेना, क्यों उसकी बिटिया को लेना, और इस चीज से पूरा कॉकटेल कैसे तैयार करना, उसके उसको समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे ऐसे लोग ही पत्रकार कैसे बन गए जो अपने आप को कहता है कि वी आर द वल्चर, क्योंकि यदि जर्नलिस्ट होता तो कभी नहीं कहता कि वल्चर। एक मतलब सोचिए निर्लज्जता की कैसी हद है कि प्रणय राय का चेला नंबर वन, इसे चेला नंबर वन कहेंगे आप, इसके 3 चेले हैं जिसको स्वीकार किया गया, एक तो खैर अपने आप को आजकल राष्ट्रवादी हो गए हैं अब वो अर्णब गोस्वामी है, दूसरा ये 3 चेले अक्सर प्रणय जिक्र करती है, दोनों चेले जो है ये कैसे कहते हैं वी आर द वल्चर, और दूसरी वल्चर देखिए कि मरघट में बैठ करके वो क्या नाम है बरखा दत्त, वो शमशान घाट में बैठ करके पत्रकारिता करे और ये दुनिया के अखबारों में छप रहा है, ये सामान्य चीज नहीं है, ये भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है और ऐसे ही नहीं हो सकता, उसे भी समेटने की कोशिश इसमें की गई है। और इत्तेफाक पर जैसा चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किताब तो छपनी थी 1-1.5 साल पहले ही लगभग, लेकिन इस प्रसंग को भी इस हाल के प्रसंग को भी इसमें जोड़ा गया है, और मुझे लगता है इसीलिए इसे नवीनतम रहेगा कि कैसे इन घोटालों में, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, कैश पर घोटाला, ये सिर्फ घोटालों की जानकारी नहीं है, ये किसी को हेडिंग से लगेगा कि ये घोटालों की जानकारी है, ये घोटालों की जानकारी नहीं है, आपको बताया गया है कि इस घोटालों को छुपाने के पीछे का खेल क्या पत्रकारों का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्री बुक है ये किताब, एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आपको ये लगेगा
कई लोग लगेंगे अच्छा इसमें लगता मनीष जी ने तो वही लिख दिया ना कोयला घोटाला, ये तो हम पढ़ लेंगे कहीं अखबार। कोयला घोटाला क्या है? राष्ट्रमंडल खेल घोटाला के सिर्फ ये नहीं है, इस घोटाले को कैसे छुपाया और निर्लज्जों की टोली ने जिसने इन घोटालों को छुपाया वो आज कहते हैं कि पत्रकारिता तो सत्ता के खिलाफ होता है, जिसके लिए खैर अलग अलग नाम उसके हम खैराती पारे कहते हैं, अलग अलग नाम लोगों के ने दिए हैं। इस आधार पे आपको लगेगा आज जो लोग कह रहे हैं कि इसमें लिखा गया है वो एकाएक पत्रकार था बहुत बड़ा, आजकल बहुत बड़ा ज्ञानी बना हुआ है यूट्यूब पे, उसने दिग्विजय सिंह ने एक चैनल शुरू किया, इसकी भी चर्चा थोड़ी सी उसमें है कि कैसे जब कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार आई तो कांग्रेस के इन इन लोगों को लगा कि अब सर चैनल लाना चाहिए, तो कपिल सिब्बल चैनल लेके आया और एक चैनल लेके दिग्विजय सिंह मंगवाया, वो स्वराज करके चलता रहा। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि हम जो ये जो बिचौलिए हैं, जो जो ये चिट फंड वाला धंधा करते हैं उनको कहीं हम 3 राज्य में तो आ गए राज्य, अब हम लोकसभा के चुनाव में केंद्र में सरकार आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी पैसा लगाओ हमारे फेवर में। लेकिन हुआ क्या, केंद्र में सरकार नहीं आई, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई तो दोनों चैनल चला गया, मतलब कपिल सिब्बल का भी चैनल चला गया। एडिटर इन चीफ बरखा दत्त थी, बहुत बहुत जलील किया कपिल सिब्बल को, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की बात कही। ये चलता ही ये चीजें क्यों समझने की जरूरत है सर कि कैसे जब 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही तो उम्मीद जगमगाई कि अब हम फिर कमाने का ही। और ये देखिए दिग्विजय सिंह राजा आदमी है, कपिल सिब्बल के पास इतने पैसे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सब अपने पैसे से चैनल नहीं ला रहे थे, ये सब लाए थे उठाएगी उठा उठा के व्यापारी और उनसे इनको इन्वेस्ट कराया था, नाम अपना था। लेकिन इन व्यापारियों को भी लगा अरे सरकार तो तुम्हारी केंद्र में आई नहीं, मध्य प्रदेश में चली गई, तो हम अब किसके क्यों पैसा फंसाएं, क्योंकि टेलीविजन लाभ का धंधा नहीं है, टेलीविजन जो है वो दूसरे किस्म का धंधा है। इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा, इसीलिए कि जो लोग ये कहते थे कि एक पत्रकार था जब देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था तो कहता था मैं देश के लिए खाता हूँ, घूम घूम करके पूरा पेट फुला फुला कर खाता था, वो केरल से लेकर कश्मीर तक खाता था और कहता था देश के लिए खाता हूँ, मतलब पत्रकारिता के बदले वो सब खा रहा था, वो आज वो नैतिकता बांच रहा है। तो इन सब की पोल पट्टी है, मुझे लगता है इसीलिए इस किताब को समझने की जरूरत है। और ये किताब क्या है, ये घोटाले नहीं बता रहे हैं, ये घोटाले के पीछे के घोटाले को बता रहा है। जी 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 बिल्कुल। और हमारे जो है आपकी ये स्वराज के एडिटर कौन थे? स्वराज में ये क्या नाम है वो पेट फुलाकर संदीप भाई, भूल रहा हूँ नाम उसका, मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे विनोद दुआ था और ये सब कंसल्टिंग एडिटर थे, करीब 8-9 कंसल्टिंग एडिटर थे उस चैनल में। आपको आश्चर्य लगेगा बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो जो खलियर हो गए थे, जैसे आज बहुत सारे लोग खलियर हो गए। आप देखिए कि एक मेरा संपादक था संसनिवास था, वो हमसे कहता था मनीष ठाकुर ज्यादा विद्वान मत बनो, टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती है, और वो कैसा विद्वान है, वो एडिटर है, आप उसे यदि तुम एडिटर हो तो तुम विश्लेषण करो ना, ये तुम लोट पोट कर रहे हो, कभी किसान आंदोलन में दूध चाटने के लिए जाते हो मलाई चाटने के लिए, कभी ममता बनर्जी के वहां जाते हो कोरोना से खुद होते हो अपने दोस्त को निपटा देते हो, पता नहीं चला भी गया, मतलब ये लोग तुम संपादक रहे जीवन भर, तुम कभी पत्रकार तुम रिपोर्टर नहीं रहे। मैं एक रिपोर्टर हूँ, संदीप एक रिपोर्टर है, हम लोग की बेचैनी होती है बड़ी खबर पे जाए फील्ड में, जो फील्ड में कभी गया नहीं वो फील्ड में आज क्यों जा रहा है, जब तुम एडिटर थे तब तुम कभी फील्ड में नहीं गए, आज किसके हित में तुम फील्ड में जा रहे हो। मुझे लगता है कि पत्रकारिता के काला अध्याय का वो भी हिस्सा, ये सब के सब आज नैतिकता बांच रहे हैं, जो घोर अनैतिक रहे जब वो संपादक रहे तो उन्होंने कहा कि हम तो कहते थे, हम कॉलेज के जीवन में लड़कियां जब हम लोग छेड़ते थे तो कहते थे छेड़ो नहीं छेड़ो तो छोड़ो नहीं, जिसकी ऐसी सोच हो वो संपादक बन जाए और उसकी जय जयकार हो तो कैसा आदमी लगा। इसीलिए मैंने इस किताब में भी लिखा, बोल दीजिए नाम, पत्रकारिता को उन लोगों ने ट्रांसफर मतलब कहते हैं ना कि सर्कुलेट जर्नलिज्म कर दिया कि मैं कुछ लिखूंगा मेरी खबर को संदीप चलाएंगे, संदीप की खबर को दूसरा चलाएगा, इस तरह से सर्कुलेट, और फिर क्या होगा मैं अपना चेला को संदीप जी के पास भेजूंगा, संदीप जी अपने चेले को उस चेले को दूसरे जगह भेजेंगे, 10,000 से 60,000। ये भी बताया कि कैसे ये धंधा चलता रहा, ये पत्रकारिता नहीं था, ये धंधाबाजों का खेल था जिस चीज को सामने रखा गया। चलिए मनीष जी नाम नहीं बोल रहे हैं, वही बोल देता हूँ, अजीत अंजुम जी की बात कर रहे हैं। तो अब मैं संदीप जी से कहूँगा कि साहब संदीप जी समय बहुत हो गया, इसके बाद फिर हमें प्रश्न भी लेने, तो आप आपकी अंतिम टिप्पणी कर दें इस पुस्तक के ऊपर और उसके बाद फिर हम प्रश्न लेते हैं। मैं चूंकि आपने कोयला घोटाला पूछा था, कोयला घोटाला में कुछ चीजें रह गई, कोयला घोटाला में
ब्लैक मनी पार्क किए गए थे मीडिया हाउसों में, और कुमार मंगलम बिरला पूरा ही रह गया, प्रणय राय के ऊपर तो बात ही नहीं हो पाई। मैं प्रणय राय भी रह गए, प्रणय राय का भी बात हम, मैं सोचता हूँ कि किताब पर विश्लेषण पूरा नहीं होगा, इसको जो है ना इसे समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके अलग अलग हिस्सों को ये बहुत गहराई में जा करके जाना पड़ेगा, तब इसको हम समझ पाएंगे। जैसे आपको उसमें पता होगा कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक हुई थी 2011-12 में, उसमें मीडिया हाउसेस के नाम आए थे कि किस तरह कोयला घोटाले का पैसा बिरला ने अरुण पुरी के टुडे ग्रुप में पार्क किया था। मैं साफ नाम लेना ही पसंद करूंगा ज्यादा, तो टुडे ग्रुप में अरुण पुरी के टुडे ग्रुप में कोयला घोटाले का पैसा लगा था, जहां से बैठ के अभी ज्ञान बांटा जा रहा है। एक 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का पैसा, काला पैसा अनिल अंबानी ने पार्क किया था टुडे ग्रुप में। दो इसलिए शॉर्ट में बताता चलता हूं, कांग्रेस के सांसद हैं डरडा महाराष्ट्र से, लोकमत अखबार और चैनल चलाते हैं, राजदीप सरदेसाई के साथ IBN लोकमत चलाते, तो वो भी कोयला घोटाले में वो बड़े लाभार्थी रहे, बड़े पैमाने पे राजदीप के साथ चैनल चलाते थे, वो लोकमत IBN लोकमत था कुछ। और कांग्रेस के सांसद थे विजय डरडा था नाम था उनका, राज्यसभा में थोड़ा नाम देख लीजिएगा। ये जो मधु कोड़ा को जो फंसाया गया, मतलब वो जेल गया अकेला कोयला घोटाला में, जो झारखंड में मधु कोड़ा, उसमें झारखंड के बड़े अखबारों के नाम आए, जो तो पूरे मीडिया ने कोयला घोटाले के काले धन को अपने यहाँ पार्क किया, हवाला पूरा रूट मीडिया के थ्रू होते थे, ये एक बड़ी सच्चाई है। 2G का पैसा, कोलगेट का पैसा मीडिया में पार्क हुआ। और इसके अगली कड़ी बता दूं, जो शायद इस किताब में, क्योंकि पत्रकारिता पे ही है, अगली कड़ी ये थी कि वहां NSC से गाइडेंस मिला आपको कि ये जो पार्क किए गए हैं, इस पार्क के एवज में आपको केजरीवाल अन्ना आंदोलन कवर करने हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो जो डाइवर्ट हो जाएगा, और आगे उसमें पूरी रणनीति थी कि आगे कहीं भाजपा से नरेंद्र मोदी आ सकते हैं तो भ्रष्टाचार के वोट दो पोर्शन में बढ़ जाए कि और वो भाजपा और केजरीवाल के बीच में डाइवर्ट हो जाए और फिर कांग्रेस जो है सत्ता बना लेगी। और इसीलिए साफ बैठक हुई मीडिया चैनलों में कि केजरीवाल और अन्ना के आंदोलन को जो उठाने के लिए कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम के ब्लैक मनी को का इस्तेमाल हुआ मीडिया हाउसों में, ये फैक्ट है। जो आज आप देख रहे हैं कि सभी बड़े चैनल केजरीवाल के पैसे पर बिके, आपको साफ दिख रहे हैं विज्ञापन पूरे एक साल में, जो ये रहा है अभी कोरोना काल, 822 करोड़ रुपए मीडिया को रिश्वत दिए हैं केजरीवाल ने। और पूरे 3 महीने में, जब ये जिसको ये दूसरी लहर कहा जा रहा है उसके आने के बाद, पूरे 3 महीने में 150 करोड़ दिए, ये रिश्वत दिया जा रहा है, ये उस जमाने से चल रहा है, 2011 से ये रिश्वत देने का काम चल रहा है। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे, टेलीविजन पे 7 बजे बैठ गए हाथ मुंह धो के और बहस सुन रहे हैं, ये बंद कीजिए, ये सब नौटंकी चलता है। अभिषेक तिवारी जी आ गए हैं, एक सेकंड, एक जानकारी दे देता हूँ कि जिन्होंने भी 30 अप्रैल के बाद ऑर्डर किया है पुस्तक का, सबको जो है पुस्तक भेज दिया जाएगा 20 मई तक। और लॉकडाउन के कारण जो दिक्कत आएगी, तो आप पाठक दर्शक इसको आप समझेंगे कि लॉकडाउन के कारण कुरियर और पैकिंग सारा सिस्टम बैठा हुआ है, तो जब जहां तक हम भेज सकते हैं वो भेज रहे हैं, जहां रुकेगा तो आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन हम सबके लिए लगा हुआ है। धन्यवाद। हाँ, तो अभिषेक जी, रवीश जी के बारे में आपकी क्या विशेष प्रस्तुति है आज? आ रही आवाज आपको? आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है तो अब देखिए, आई आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा तो आपके यहां से देख लीजिए, कोई कहीं से आपके चेक। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हमें आ रही है बिल्कुल, यस। अब आई आपको क्या आवाज? फिर से ज्वाइन होता, चलिए तब तक अब हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपने शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, पत्रम पुष्पम का अनुग्रह अनवरत रखें। प्रश्न,